नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है सेहत की बात। आपके बच्चों की सेहत आपके सेहत से ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके नज़रिए से। टॉक्सिक टॉय, खिलौने कितने खतरनाक हो सकते हैं आपके बच्चों के लिए, कभी आपने शायद गौर नहीं किया होगा। हर घर में बच्चों को खिलौनों से खेलता देख कर हर माँ बाप खुश होते हैं। बच्चे खिलौनों के साथ ही बड़े होते हैं और बड़े हो रहे बच्चे रोज़ नए नए खिलौनों की मांग करते हैं। हम और आप सभी खिलौनों के साथ खेलकर बड़े हुए हैं। माँ बाप भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने खरीद देते हैं। खासकर इस कोरोना काल में तो ऐसा बहुत हुआ है, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप भी घरों में कैद थे। इस दौरान यानी कोरोना काल में जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद हो गई थी, तो बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और खिलौनों पर ही निर्भर हो गए। घर के अंदर यही उनके साथी थे। आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा बच्चों को खेलने की आवश्यकता होती है। आप ऑफिस में काम करते हैं, पर बच्चे घर में भी खेलते हैं और बाहर भी। खिलौने बनाने वालों ने इसी बात को समझा और उन्होंने इस आपदा के अवसर में समझकर भरपूर खिलौने बनाए, ताकि बच्चों के लिए इस कमी की दूरी की जा सके। जिसमें प्लास्टिक से बने खिलौने बहुत सारे बाजार में आ गए। खिलौनों की मांग पूरी करने के लिए रात दिन खिलौनों की फैक्ट्रियां चली और काफ़ी सारी मात्रा में खिलौने बनाए गए। अब सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों को वायरस से बचाने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा, उन्हीं बच्चों के खिलौने अगर उनके लिए नुकसानदेह साबित हो तो वो क्या करें? क्या ये प्लास्टिक के खिलौने पूरी तरह से सुरक्षित हैं? कभी किसी ने क्या इस पर गौर किया है? माँ बाप के लिए ये एक चेतावनी है। शोधकर्ताओं की बात माने तो ये खिलौने बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक हैं। यहाँ तक कि इन खिलौनों से कैंसर जैसे खतरनाक रोगों को निमंत्रण देने वाले तत्व तो इनके भीतर मौजूद होते हैं। ये खिलौने कैंसर जैसे घातक रोग को आमंत्रित कर सकते हैं। इस पर कभी सोचा नहीं गया, क्योंकि इस पर कभी शोध नहीं हुई, ये वाला तथ्य कभी सामने नहीं आया। एक इंटरनेशनल स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया है कि खिलौने बनाने में 100 से ज़्यादा इस तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के शोधकर्ताओं को जाता है इस बात का श्रेय कि उन्होंने दुनिया भर के माता पिताओं को ये चेतावनी दी है अपने शोध के माध्यम से, कि हार्ड, सॉफ्ट और फोम प्लास्टिक मटेरियल से बने खिलौने खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि इनमें 419 किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। इनमें से 126 केमिकल ऐसे हैं जो बच्चों में कैंसर जैसी बड़ी घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी सेहत की चेतावनी है आपके लिए, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब। बच्चे अगर आपके पास हैं तो इस बात पर गौर फरमाइए, खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले ये जानलेवा केमिकल फ्लेम रिटार्डेंट को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे कैंसर हो सकता है। इस शोध में जो अध्ययन सामने आया है उसके माध्यम से पता चला है कि यह खतरा पॉलिस्टर टनल के साथ भी है। पॉलिस्टर टनल बच्चों के खेलने और आराम करने का एक पाइप नुमा पॉलिएस्टर का टेंट होता है। ये बहुत इस्तेमाल होता है, खासतौर से हिंदुस्तान में कम होता है, पाश्चात्य देशों में अधिक देखा जाता है। इससे बच्चे घरौंदों के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें घरौंदा बना के इसके अंदर बैठ जाते हैं, इसमें खेलते हैं, उन्हें लगता है ये उनका घर है। ये खिलौनों का घर कहा जाता है। आजकल आपको ये भारत में भी देखने को मिल जाएगा। इसमें उपयोग किए गए मटेरियल में फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल होता है। याद रखिए, फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल बच्चों के आईक्यू लेवल को कम कर सकता है। इस पर किसी ने गौर नहीं किया। बनाने वालों को पता था या नहीं पता ये अलग बात है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें सावधान रहने की बड़ी ज़रूरत है। हालांकि मार्केट में उपलब्ध सभी फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल से बने प्रोडक्ट में हेल्थ का जोखिम नहीं होता है। वैज्ञानिकों की चिंता उस फार्मूलेशन को लेकर के है जिसमें क्लोरीनेट, ब्रोमाइड या फिर
फास्फोरस होता है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात पर ध्यान देना कि ये केमिकल कौन से हैं और इनका असर कैसे होता है। और ख़ासतौर से याद रखिए, बच्चों पर इनका असर बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि बच्चों की सेहत कोरा कागज़ होती है। फ्लेम रिटार्डेंट को आग से जोड़ने की क्षमता रखने वाले उत्पादों में जोड़ा जाता है। इसमें फर्नीचर, बच्चों के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल, कपड़े भी, कार की सीटें भी और वाहनों के इंटीरियर भी इसी सूची में शामिल है। ध्यान रखिए हमारे आसपास कितना बिखरा हुआ है ये, खास तौर से ये वाला केमिकल। इसमें मौजूद केमिकल के से बने उत्पादों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि सब तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्किन में भी जा सकता है, ये स्किन के भीतर उतर सकता है, धूल में भी इकट्ठा हो सकता है, सांस के माध्यम से आपके शरीर में जा सकता है। कितना घातक है आज आप जान गए। हम लोग इस बात को बार बार कहना चाहेंगे कि ये चेतावनी है। जानवरों के लैब में एक शोध सामने आया है, ये शोध जानवरों के लैब में किया गया, उससे पता चला कि तरह तरह के फ्लेम रिटार्डेंट से कई तरह के स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ब्रोमिनेटेड केमिकल की बात कीजिए, इससे जानवरों और मनुष्यों में कैंसर, हार्मोन डिसरप्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और न्यूरो डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। बहुत ज़रूरी है ये जानना और ये कोशिश करना कि इनसे किस तरह से बचा जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चों की भी है। मैंने बताया उनकी सेहत बहुत नाजुक होती है, ख़ास तौर से हमारे छोटे बच्चों। कुछ लोगों के बीच की गई रिसर्च में एक और रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि ये केमिकल रिस्क बढ़ाता है, IQ लेवल कम करता है और बच्चों के व्यवहार तक में भी इसकी वजह से बदलाव आ जाता है। ये बहुत गहरी बात है। इस साल की शुरुआत में हुई इस रिसर्च में भी सामने आया था कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम IQ कम होने का सबसे बड़ा कारण है। कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि अब जो नई जनरेशन है उसमें बच्चों का IQ कम क्यों होता जा रहा है। हो सकता है ये भी एक बड़ी वजह हो जो बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा हो। बहुत गंभीर विषय है ये। बच्चों को इन खतरनाक केमिकल से बचाने का क्या तरीका है, इस पर सोचा जाना चाहिए। फिलहाल हम सजेस्ट करेंगे कि इस बच्चों को ऐसे केमिकल से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें प्लास्टिक के खिलौने से जितना ज़्यादा दूर रखा जाए उतना ही अच्छा। मैं तो कहूँगा बच्चों की बात ही नहीं, आपकी बात भी, आपके परिवार की बात भी है, पति पत्नी की बात भी है, उतनी ही ज़रूरी जितनी बच्चों की है। परिवार में ही आप कम से कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक को। शोधकर्ताओं की माने तो विदेशों में बच्चे हर साल औसतन 18 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक के खिलौने खरीदते हैं या फिर घर में जमा करते हैं। आप जानते हैं कितने घातक है, बाजार में मिलती है प्लास्टिक की बोतलें जिनमें जिसका पानी आप सभी पीते हैं। लोग ऑफिसों में और घरों में प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर के रखते हैं और पीते रहते हैं। बच्चों को केमिकल से बचाने के लिए रिसर्चर्स ने सबसे आसान सलाह यही दी है जो हमने अभी कही, प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के सामान कम कर दीजिए, इनका इस्तेमाल करना, खरीदना बिल्कुल बंद कर दीजिए और लोगों को भी यही सलाह दीजिए। फिलहाल बच्चों को इसे बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका तो सिर्फ यही है। हाल ही में एक स्टडी में ये बात भी सामने आई कि जिन बच्चों के पास ज़रूरत से ज़्यादा खिलौने होते हैं उनकी क्रिएटिविटी बाधित होती है, अर्थात कम होती है। इस बात पे आपने गौर किया ही नहीं होगा क्योंकि आपको पता चलेगा ही नहीं। इस क्रिएटिविटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जिन बच्चों के पास कम खिलौने थे इस शोध में पता चला, उन बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी दोनों काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके बच्चों के भविष्य की दृष्टि से आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप माता पिता हैं, आप उसके भविष्य के निर्माता हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सर्वे में भी खिलौनों में खतरनाक केमिकल्स पाए गए हैं। 2019 में हुआ था यह सर्वे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI ने कुछ इम्पोर्टेड खिलौने लिए और फिर उन पर अपना यह परीक्षण किया। बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। इस परीक्षण में 6,690 खिलौने फेल हो गए और इसकी क्षमता को देखें, अगर हम इस तरह से देखें प्रतिशत की दृष्टि से, तो लगभग 70% खिलौने घातक सिद्ध हुए बच्चों की सेहत के नज़रिए से। इस सर्वे में कुल मिलाकर 121 अलग अलग तरह के खिलौने रखे गए थे।
तो फिलहाल ये बहुत ज़रूरी सूचना, ये बहुत ज़रूरी अपडेट सेहत को लेकर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही बहुत ज़रूरी कोई बात लेकर। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।